हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन। आज हम अलग तरीके से बनाएंगे। पहले हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई हमने बिठा दिया है। कढ़ाई पे हमने डाल दिया है तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अभी हम डाल देंगे चिकन। कढ़ाई पर हमने डाल दिया है चिकन। अभी से हम फ्राई कर लेंगे। चिकन फ्राई होते होते हम मसाला तैयार कर लेते हैं। ये रहा हमारा मसाला। मसाले पे हमने अदरक, लहसुन, कच्ची मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर दे दिया है। इसे अभी हम मिक्सी पर अच्छी तरह से मिक्सी मार लेंगे। डाल देंगे थोड़ा सा पानी। ग्राइंडर चला लेंगे। अभी हम ढक्कन उतार कर देख लेंगे। ये देखिए मसाला हमारा तैयार। इस तरफ हम चिकन को थोड़ा हिला के देख लेंगे। ये देखिए पानी निकल रहा है। पानी को हम पूरा अच्छी तरह से सुखा लेंगे फ्राई करते करते। चिकन को हमेशा हाई फ्लेम में ही ऐसे इस तरीके से फ्राई कर लीजिएगा। इस तरह चिकन एक बार बना के देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। चिकन को फ्राई करने टाइम हमने कुछ भी नहीं डाला था। अभी इस पर हम थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे। नमक नहीं डालेंगे, नमक थोड़ा बाद में डालेंगे। अभी इसे अच्छी तरह से हिला लेंगे। इस तरफ हम आलू फ्राई कर रहे हैं चिकन के लिए। आलू को फ्राई करना और हमने नहीं दिखाया है कैसे डालते हैं कढ़ाई पर। पहले तो दिखाए ही हैं हमने। चिकन के साथ डाल देंगे गोटा लहसुन 6-7 कलियाँ। अभी इसे हम अच्छी तरह से हिला लेंगे। ये देखिए चिकन हमारा कितना अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। डाल दिया है अभी हमने नमक। चिकन को हमने निकाल लिया है एक कढ़ाई पर। चिकन हमारा फ्राई हो चुका था। उसी कढ़ाई पर अभी हम फिर से थोड़ा सा तेल डाल लेंगे। मैंने 4 चम्मच तेल यूज़ किया है। तड़के के लिए हमने तैयार किया है 1/2 चम्मच साबुत जीरा, गोटा गरम मसाला, 1 तेज़पत्ता, 4 सूखी मिर्च और 2 मीडियम साइज के प्याज। कढ़ाई हमारा गरम हो चुका है। डाल देंगे 4 सूखी मिर्च, 2 तेज़पत्ता, 1/4 साबुत जीरा। इसे अभी हम हिला लेंगे। डाल देंगे गरम मसाला गोटा। जीरा गरम मसाला हमारा चटक गया है। डाल दिया है हमने प्याज। अभी इसे हम हिला लेंगे। प्याज को हमने हिला लिया है। अभी प्याज को फ्राई होने के लिए रख देंगे। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। अभी हम डाल देंगे मसाले को, ये जो हमने पीस के रखा था मिक्सी पर। अभी हम हिला लेंगे। डाल देंगे हल्दी, चिकन पर भी डाला था इसलिए हिसाब से डालिएगा। डाल देंगे नमक, नमक को भी हिसाब से डालिएगा क्योंकि हमने चिकन पर पहले से ही नमक डाल दिया था। अभी इसे हम अच्छी तरह से हिला लेंगे। मसाले को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। मसाला हमारा फ्राई हो रहा है। मसाला हमारा फ्राई हो चुका है। अभी हम चिकन को डाल देंगे। ये रहा हमारा चिकन जो हमने फ्राई करके रखे थे। आलू को भी इसके साथ ही रख दिए हैं। चिकन और आलू को हमने एक साथ ही डाल दिया है। अभी इसे हम हिला लेंगे। अच्छी तरह से मसाले के साथ इसे हम मिक्स कर लेंगे। चिकन को हमने मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसे हम और 5-10 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। अभी हम डाल देंगे पानी। डाल दिया हमने पानी। अभी इसे हम ढककर रख देंगे उबाल आने के लिए। अभी ढक्कन को उतार कर अभी हम देख लेंगे।
ये देखिए सब्जी हमारा चिकन हमारा कितनी अच्छी तरह से उबल रहा है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरी रेसिपी कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स पर लिख के ज़रूर बताइएगा। इसे अब हम बिना ढक्कन के उबालेंगे। हाफ चम्मच हम गरम मसाला ले लिए हैं, अभी डाल देंगे गरम मसाले को। अभी हिला लेंगे। गरम मसाले को डालने के बाद हम इसे 5 मिनट तक फिर से अच्छी तरह से चिकन को हम उबाल लेंगे बिना ढक्कन के। 5 मिनट तक इसे हम बिना चिकन को हम बिना ढक्कन के उबाले हैं। ये देखिए चिकन हमारा बनके तैयार हो चुका है। इसे हम अभी थोड़ा सा हिला लेंगे। चिकन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद। थैंक यू।